श्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म होने के कगार पर है। अमित शाह ने कहा कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है और यही कहते हुए उन्होंने कहा साफ कि अब कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद आज राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। उसके बाद चौतरफा देश में कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया गया तो बीजेपी के नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और वहीं बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व अब खत्म होने की तरफ है, कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। भर में कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये समाप्त होती जा रही है भाई, समाप्त होती जा रही है। अब कांग्रेस वालों के पास कोई राज्य नहीं रहा जो कांग्रेस की केंद्र की तिजोरी को भर पाए। उनको एक एटीएम चाहिए। एटीएम समझते हो ना, कार्ड डालकर पैसा निकालना। वो चाहते हैं कर्नाटक कांग्रेस का एटीएम बने और ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस की नजर कर्नाटक पर है।